माई सिखौली से बिहे ओ लड़की लड़किया के लड़किया के माई जे शादी कर ल इनका से, से? ग्यारह साल के लड़की नाबालिग लड़की से पैंतालीस साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति शादी कर मेहरा मरद के बहलावे वाला मेहरारू हवे हवे न अच्छा माई बहलाई के लड़की के दे के तह पत्नी

सारा उन बात उन माई को ले बाड़ी सारा बात उनकोर माई तो बाऊ ना है एक, एक ग्यारह साल के लड़की नाबालिग लड़की से पैंतालीस साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति शादी कर लेता है और अभी हम जो व्यक्ति शादी किया है उसके घर पे है जो कि लक्ष्मीपुर में है और यहाँ पे उनकी माँ है वहाँ पे उनकी पत्नी है आपको बता दें कि ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि जो लड़की की माँ है वो पैसे के लिए इनके घर पे वो भेजती थी और पैसे के लिए हैं वो लोग शादी करवाए हैं और जितना भी ये कांड हुआ है सिर्फ पैसे के लिए हुआ है इनके माँ से जानते हैं कि इसमें गलती किसकी है और सबसे बड़ी एक सफलता का है पुलिस की पुलिस ने लड़की और लड़का दोनों को अपने हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है हम उनके माँ से जानते हैं कहाँ नाम पड़ेगा हुआ लड़का के महेंद्र पाड़े महेंद्र पाड़े अच्छा एक बात बताएं चाची कि शादी के जानकारी साल के लड़की से शादी शादी के जानकारी नहीं शादी जानकारी नहीं खे। ना, आ, ना उनका उ, के माई है, है के का का नहीं खे। इ... लड़की के माई घर लेकर आवर भाई एगो बा है लड़की है हाँ नो मतलब पूरा परिवार को आ, आ है। हाँ बाबूजी नहीं आओत खाली बबूजी के।, के छोड़ के जब गुब्बारे तब आई जी रहें सर खातिर हम कहनी अपना ठेक्ने दूसरे कहे के, के बटोर ले झगड़ा उगड़ा कई ऋण उन के हरून ऊन के आवत हमें रहनी है हजा ओह दिन माई कही बियाली बी घर में बी हाँ घर में हाँ आ

अच्छा ओकर माई बहलाई के लड़की के दे के तत्नी पत्नी बेराम बिया बाउर बिया तू हमारे लड़की से बहेह करो हम खर्चा चल है अपनों खचा चल अब हर मती भरभट हो गए अब बिया कड़े बहे बड़े सड़वा कहता चाहे दुनिया कहता है बड़े सोशल मीडिया पर यही वीडियो में देखा जाता कि लड़की के मांग में सिंदूर बा शादी वह कहो भाई बहान भला हला माइए आई रुकी माई आई है माई आई तो बगीचा में भेंट भोजो रुजु आ आवे रुजु जालू हम कैसे दरु कही बात रहता ना मानते बात कैसे मानी हम कैसे बोलते ना रहें और मारा भी करते हाँ तो हमारे बोलते न रहनी से झगड़ा होगी ना झगड़ा कर तब ना हो अच्छा सारा हर बात माई कौले बारी सारा बातर माई सिखापे बाउ न लैक हमार लैक बाबू केहू रही, है, रही, है, रही, है। रही है। लक्ष्मीपुर में इंटर पथर बारे भूखे खा बाकी अब का जाने भगवान का जाने कुछ मरवाली कि क्या कैल अब तो इो हमारे भोगे और शादी कर बने के लड़की से गिरफ्तारी भी हो गल सरकार पुलिस प्रशासन से का मांग कर मांग कर बिहार सरकार गलती हमारे बेटा को ले बारे अब ये कर जे हमरा खोइछा भर दे हमरा बेटा के दे ना तो हमनी के मर जाय कुछ नहीं के कुछ नहीं के घरे ये इतना जमीन बाबे हमके कुछ नहीं के ना। अच्छा आज दो तीन दिन सब ने। 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 से भूखे हो लरवा लो आई कह दी चलल जाईये से खाना जाते नहीं हम यहीं पर देखिए इनका बेटा तो गलती कर दिया है अब ये लोग भूखे रह रहे हैं और सरकार से ये लोग ये आवेदन निवेदन कर रहे हैं कि इनकी बेटा जो गलती किया किया उसके जो भी मतलब कि जैसा भी हो सके सरकार कार्रवाई तो लगातार कर रही है पुलिस भी अपना कार्रवाई कर रही है उनकी पत्नी है उनकी माँ रो रही है बिलख रही है क्योंकि बेटा कितने भी गलती करे माँ उसको सिर्फ पक्ष ही करती है अच्छा कुछ साची बात बताएँ ये गलत भैलवा भा किन रो और बेटा गलती है तो भैलवा

रोगो के पुलाव वाला के शादी उदी करवा के फंसा दिया लोग पूरा परिवार रो रहा है देखिए अच्छा एक बात बताइए अब तो वो लड़की के शादी हो गई पा हाँ। अब वो दून जाना जेल में मिलो हाँ। अगर जेल में से बाहर दून निकला था लो सरकार के जो सहमति हुई हाँ। तो कार हुआ वो लड़की के अपना घर रखे में ना रखे हम हाम ना बता सकें हम नहीं समझ नहीं समझ

कैले हुई है ना, अब मालूम नहीं क्या हमारा तो मालूम नहीं ना मालूम नहीं क्या तो देखिए ये पूरा परिवार है और ये पूरा परिवार रो रहा है ये भी कर रहा है कि अब एक व्यक्ति इनके घर में कमाने वाले थे और भी अभी जेल में है और ये लोग सरकार से लगातार ये अनुरोध कर रहे हैं ये पुलिस से अनुरोध कर रहे हैं कि गलती किए तो किए उनकी जो भी सजा दी जाए और उनको जल्द 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 जल से बाहर की जाए क्योंकि ये लोग अब इनके घर पे कुछ भी खाने का नहीं है सबसे बड़ा सवाल ये है और ये ये माँ हुई और ये उनकी पत्नी हुई है, ये इनका बेटा हुआ और ये लोग लगातार रो रहे हैं सोशल मीडिया